हमेशा से ही ब्रह्मांड हमारे लिए जिज्ञासा का विषय रहा है और इसी जिज्ञासा ने खगोल विज्ञान को जन्म दिया और आज पूरे विश्व में मौजूद दूरबीन वेधशालाओं द्वारा ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने और जानने का प्रयास किया जा रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन स्वायत्त संस्थान आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान यानी एरीज दुनिया की ऐसी ही खगोल वेधशालाओं में से एक है, जहां अब भारत का पहला 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय तरल दर्पण टेलीस्कोप स्थापित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से स्थापित इस नवीन तकनीक आधारित ILMT का औपचारिक उद्घाटन 21 मार्च को किया गया। इस मौके पर भागीदार राष्ट्रों के प्रतिनिधि और वैज्ञानिक तथा भारत सरकार के केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। I'm proud that this world-changing instrument, which is an outcome of years of research, dedication and commitment, is in our Devbhumi at Devsthal in Uttarakhand. हमारे साथ ऑनलाइन माध्यम से जुड़े केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का और यहाँ उपस्थित बेल्जियम के एम्बेसडर मिस्टर DDR वेंडर हेसल्ट जी का देवभूमि में हृदय से स्वागत करता हूं। मैं हार्टियस्ट वेलकम टू यू सर। आज एक अलग उपलब्धि के साथ IMLT के रूप में एक और शक्तिशाली टेलीस्कोप की स्थापना न केवल भारत और इसके सहयोगी देशों के लिए बल्कि पूरे विश्व समुदाय के लिए बहुत ही गौरव की बात है। यह IMLT हमारे अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में गहरी जिज्ञासा रखने वाले वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए एक नया वरदान है। नई तकनीक के साथ स्थापित ILMT न केवल भारत बल्कि दुनिया भर के खगोलविदों को ब्रह्मांड के अध्ययन के नए आयामों की खोज करने में मदद करेगा। तरल दर्पण टेलीस्कोप में ठोस टेलीस्कोप की जगह परावर्तक द्रव के तौर पर मरकरी का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें 700 किलोग्राम वजन के बराबर लगभग 50 लीटर पारे से भरी डिस्क ILMT के ऊर्ध्वाधर अक्ष पर एक निश्चित स्थिर गति से घूमती है। इस प्रक्रिया के दौरान पारा एक पतली परत के रूप में कंटेनर में फैल जाता है और एक पैराबोलाइड आकार की रिफ्लेक्टिंग सतह बनाता है, जो दर्पण की तरह काम करती है। तरल दर्पण प्रौद्योगिकी ने दूरबीन के निर्माण और स्थापना को काफी किफायती बना दिया है। एक पारंपरिक टेलीस्कोप के लिए दर्पण तैयार करना, परिवहन करना और स्थापित करना एक बहुत ही जटिल और महंगा काम रहा है, लेकिन मरकरी के परिवहन के लिए छोटे भंडारण की जरूरत होती है और इससे बड़े दर्पण तैयार किए जा सकते हैं। आई एम प्राउड टू ऑब्जर्व एंड ऑल्सो शेयर विद दिस ऑडियंस द ग्रेट अचीवमेंट बाय डॉक्टर बैनर्जी एंड हिज टीम, बिकॉज द ILMT इज द फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप डिजाइंड एक्सक्लूसिवली, मे आई repeat and reiterate, exclusively for astronomical observations. And therefore, I said just a few moments ago, it has placed India into a new level of astronomical achievements in the world arena. It is also the largest aperture telescope available in the country today, and at present, it is also the very first optical survey telescope in India. So we have actually opened new vistas for the nation. Today's inauguration is an extraordinary accomplishment in the Indo-Belgian relations and a testament to the hard work and ingenuity of the Belgian and Indian scientists and engineers who spearheaded this project. The close cooperation between BELSPO, Belgium Science and Policy Office, ARIES, and India's Department for Science and Technology was crucial. And pivotal in this was, and is of course still, Professor Surdej of the University of Liège. Over the years, Belgium and India worked together on a number of exciting projects, from research on black holes and other exotic objects, to climate change
and agricultural productivity through Earth observation. I am confident that with this new telescope, together, India and Belgium will be able to unlock many more secrets. तरल दर्पण टेलीस्कोप ज्यादा सक्षम तकनीक है, लेकिन अभी पूरी दुनिया में बहुत कम ऐसे टेलीस्कोप स्थापित किए गए हैं, जिनमें से एक अब देवस्थल का ILMT भी है। इसे कनाडा और बेल्जियम के सहयोग से स्थापित किया गया है, जिसके संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी भारत की है। परीक्षण के दौरान मई 2022 में आकाश से पहला प्रकाश प्राप्त कर चुका अंतर्राष्ट्रीय तरल दर्पण टेलीस्कोप अब अगले 5 वर्षों तक आकाश की छवियों को कैप्चर करेगा, जिनकी प्रतीक्षा पूरे विश्व का खगोलीय समुदाय कर रहा है।